जो गए थे अज तो किन्नी देर पहला अपना पिंड अपना परिवार छड़ के ट्रेनिंग दे मैं 2004 चल गया जी। मैं 2004 दे विच मैं पहला बटाले गया, बटाले जाके नौकरी स्टार्ट की, उत्थे 6-7 महीने लाए थे। उस तो बाद चंडीगढ़, फिर मैं 10 साल चंडीगढ़ लगे। उस तो बाद 2015 दे विच मैं कैंप चला गया जूनियर कैंप, फिर 2016 दे विच जूनियर वर्ल्ड कप जीते। उस तो बाद फिर मेरी सीनियर टीम की जी जर्नी स्टार्ट हो गई, हूँ तो 6 साल तो मैं सीनियर टीम। मेहनत की जिम्मे समझते हो कि इंडिया के बच्चे सिफारिशा बड़िया चल रही, पर अपनी कोई सिफारिश नहीं, साड़ी सिफारिश ही मेहनत थी। तो जिस हिसाब से तुम गए हो कि मुश्किल छोटी छोटी किस तरह पार कर दी? मुश्किलें काफ़ी पहले इन्हों मना ना ये मानते मेरे जान तो वो सब तो वही मुश्किल ही। फिर उदो मैं बहुत छोटा ही जो मैं चला गया उसे, जो मैं चला गया उसे फिर उत्थे जाके काफ़ी मुश्किल आई भी छोटे ही कहीं दिल नहीं लगना, पर मैंने यह भी वो मेरा डिसीजन आ भी हूँ वापस नहीं जाना। फिर चंडीगढ़ गए, चंडीगढ़ तो बाद जो अकैडमी छड़न तो बाद भी काफ़ी टाइम इदा का सभी उत्तर मैनेज करना औखा ही रहन का खाण का, पर उदो ये भी वो टाइम इदा का सगा भी वो स्ट्रगल ही अच्छ सारा कुछ दे रहे होर गेम भी खेलते हैं। क्रिकेट भी अजकल बहुत मुश्किल हो गया, पैसा भी उच्चा। हाकी का यह भी मैं जो छुट्टियां अपने नानके जाता ही मैं उत्थे हाकी उन्होंने नाल चल जाता ही। उन्होंने पिंड जो हाकी की ग्राउंड आ, हाकी खेडते, वो खुद भी हाकी खेडते रहे, उतों ही फिर हॉली हॉली मेरा हाकी का शौक। जो पहला मैच खेल पिछले भी जीत के आए थे, बड़ा स्वागत हो रहा है। उस स्वागत अच्छे स्वागत कि अंतर नज़र आता नहीं? ये बहुत स्पैशल है, ये जो अज सगा जो अं सोचा जी उस तो भी ज़्यादा स्पैशल है, क्योंकि इस तो उपर शायद नहीं कोई टूरनामेंट है। तो सब तो वही चीज़ है भी इंडिया की बहुत टाइम बाद जीत हुई है, वो चीज़ में हर बंद ने खुशी मनाई है। समझते हो कि पंजाबियों ने एक बार दूजे देशों से आके झंडा करता, जिमें लोग कहते पंजाबी नशे के आदि ने सारे अखरों के, पर ताे कारण जो पांच मुंडे जो अमृतसर जिले के जो खिलाड़ी है चुके जी आ देखो जी हूँ जी हिंदुस्तान नहीं यही है भी मेहनत के नाल ही सारा कुछ मिलता भी एड्डी छेती किसी भी चीज़ का रिजल्ट नहीं आता। हूँ मैनू भी हॉकी खेडते 16 साल हो गया, 16 साल बाद मैं वो चीज़ अचीव की जिसके बारे मैं सोच के स्टार्ट किया 2004 के। ये अभी मेहनत करते रहना चाहिए, तो अपने जो भी तुम कर रहे हो मेहनत अभी तक सेहरा जाता मेहनत उस बिल्कुल ही सारे मुंडिया की मेहनत भी सी, उन्हों की फैमिली का भी स्ट्रगल सगा, क्योंकि मुंडे इन्ने इन्ने टाइम तो घर नहीं जा रहे ज अपनी फैमिली ने छड़ के उत्थे बैठे आ, तो फैमिली की सपोर्ट तो बिना कुछ भी नहीं होता। फैमिली सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जो तुम जित के थोड़ा जहा हारते हार के आते वे बोल नहीं कर पाते डर लगता कि इदा की कोई गल नहीं, शायद ये भी हम बिल्कुल समझ लग पे, क्योंकि जो दो टीम खेड रही तो एक ने जितना हारना ही है। इन्हें मैंने कदम भी नहीं चीज़ कही भी कौन जितया कौन हारिया, मैं यही होंगे भी बस तुम खेडो योगदान सगा, क्योंकि जो अं इंडिया टीम की जर्सी पा लें फिर उत्थे यही होंगे भी कौन पंजाबी आ कौन उड़ीसा तो कौन कितों, फिर इंडिया टीम की इंडिया लिए खेड रहे हैं उत्थे सारे बराबर है। गुरजंट भाजी कितने ना कि कहा जाता भी तिरंगे लैके वक् वक् गल् हुई, अज फिर पंजाबियों ने वह गल पूरी कर दी आ भी जे कोई सत्कार करता तिरंगे का तो जा तिरंगे का माण उच्चा किया तो पंजाब तो वध किसी ने नहीं किया। नहीं सारे पंजाबी मुंडिया का भी एफर्ट सगा, पर उन्हें कहा भी इस सारी टीम का एफर्ट सगा, अं जो खेडते हो तो किसी के दिमाग से नहीं हों भी असं कितों खेड रहे हैं, बस उदो यही हों भी जी असं किट पाई है असं वो खेड रहे हैं। जदों तो भी आ कोविड स्टार्ट आया सारे मुंडे ने बड़ी मेहनत की, मैं खुद अच्छ 6 महीने बाद घर आया क्योंकि इस चीज़ के करके सारे मुंडे लगे ही। तो जो असी क्वार्टर फाइनल जितया तो लोगों की उम्मीद उदों ही होगी भी शायद इंडिया ने मैडल ही जीत लिया, क्योंकि बहुत टाइम बाद असं सैमीफाइनल पहुँचे थे। कितना कितने साढ़े तो भी थोड़ी एक होर प्रैशर बन गया सगा भी हूँ असं मैडल के लागे भी इन्ने टाइम बाद इतने पहुंचे हाँ, पर यह भी सब तो वो चीज़ है भी असं जितना ही टूरनामेंट में खत्म किया। गुरजंट भाजी बिल्कुल जी इस बार कवरेज भी ओलंपिक का काफ़ी सगा, तो छोटे छोटे बच्चे ने हॉकी में देखा, हूँ जो सा सोशल मीडिया के छोटे छोटे बच्चों के भी मैसेज आते हैं, लोग पछाणते हैं हॉकी प्लेयर हॉकी बारे लोगों को पता लगा। किस तरह अगली तैयारी करोगे अगली ओलंपिक?
ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਗੇਮਸ ਨੈਸ਼ਨ ਗੇਮ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਆ ਅਗਲੀ ਓਲੰਪਿਕ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਨਸ ਏਸ਼ੀਅਨ ਗੇਮ ਜਿੱਤਣਾ ਪੈਣਾ ਨੈਕਸਟ ਫੋਕਸ ਸਾਡਾ ਉਹਦਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਹੈ ਜਿਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਲੇਅਰ ਆ ਨਾ ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਪਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਹਾਂ ਜੋ ਗਰਾਸ ਰੂਟ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅਜੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇੱਥੇ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਪਲੇਅਰ ਨਿਕਲਗੇ ਜੇ ਗਰਾਸ ਰੂਟ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਗਰਾਊਂਡ ਮਿਲ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਗਰਾਊਂਡ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਬੱਚੇ ਉੱਪਰ ਆਉਣਗੇ ਪਨੀਰੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਪਨੀਰੀ